स्वागत है आपको एक नई वीडियो पर। तो आज हम बात करेंगे एक मेरे अंकल के बारे में जिसने मेरे साथ एक रियल इंसिडेंट शेयर किया। एक दिन क्या हुआ, मेरा अंकल उसके नानी के घर ऐसे घूमने के लिए चला गया। शाम को बहुत टाइम स्पेंड किया, नानी से बात की, मामा से बात की, ठीक है। उसके बाद रात 10-11 बज चुके थे, तो अंकल के नानी ने कहा कि आज रुक जाओ, कल सुबह होते ही तुम चले जाना। लेकिन अंकल ने कहा कि नहीं, मुझे आज ही जाना है, कल थोड़ा सुबह काम है मेरा, मुझे आज ही घर पहुंचना है। तो नानी ने कहा ठीक है, रुक जाओ बाहर, तुम वेट करो, मैं टॉर्च लाइट लेके आती हूँ। तो उसके बाद मैंने अंकल ने बाहर वेट किया। मेरे अंकल के नानी के घर में बाहर, घर के बाहर ऑपोजिट में एक बड़ा सा पेड़ था। वो पेड़ था जैक फ्रूट, ठीक है, जैक फ्रूट का एक बड़ा पेड़ था। तो मेरे अंकल ने पेड़ के सामने ऐसे ही घूम रहा था, नानी का वेट कर रहा था। मेरे अंकल के हाथ में कुछ लाइटर वाइटर टॉर्च कुछ नहीं था, तो उन्होंने देखा कि एक सफ़ेद कपड़ा पहना हुआ एक बूढ़ी औरत, उसको थोड़ा थोड़ा दिख रहा था कि एक बूढ़ी औरत ही है जो सफ़ेद कपड़ा पहनकर उधर खड़ा है, ठीक है। तो उसने कहा, उसने पुकारा, जोर जोर से पुकारा, लेकिन कुछ जवाब नहीं दिया। तो उसके बाद मेरे अंकल ने थोड़ा आगे गया, उससे बात करने के लिए थोड़ा आगे गया, तो वो भी चलता गया, वो जो अंकल को दिखा वो भी चलता गया, सीधा वो पैर की तरफ वो चल रहा था, अंकल भी चल रहा था। तो अंकल थोड़ा पीछे था, थोड़ा डर लगा उस टाइम अंकल को, क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी। तो उसने देखा कि वो जो बूढ़ी औरत, वो मेरे अंकल की तरफ मुड़ा, मुड़कर जब भी मेरे अंकल को देखा, मेरे अंकल ने देखा कि उसका चेहरा बहुत ही बदसूरत था। जी हाँ, एकदम बदसूरत था, आंखें बाहर आ चुकी थी, जीभ बाहर आ चुकी थी। उसके बाद उसने देखा कि वो बूढ़ी औरत उसको बुला रहा था पास में, उसका नाम पुकार कर बहुत धीमी आवाज़ में उसको बुला रहा था। तो उसने थोड़ा आगे गया और देखा कि उसका पैर दिखाई नहीं पड़ रहा था। तभी मेरे अंकल ने सोचा कुछ गड़बड़ है इसमें, इसलिए मेरे अंकल ने थोड़ा पीछे आया। पीछे आकर मेरे अंकल ने देखा कि वो जो बूढ़ी औरत, वो उल्टे पैर पैर पर चल रहा था, चढ़कर वो ऊपर चला गया। उसके बाद बहुत चिल्लाया मेरे अंकल ने, नानी भी आया, मामा भी आया, लेकिन सब जगह उन लोगों ने खोजा, लेकिन कुछ भी नहीं था। ऐसा कुछ रियल इंसिडेंट्स आपके साथ भी हुआ है तो प्लीज़ हमारे साथ शेयर कीजिए मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर। थैंक यू।